सही इधर से ले जाओ भाई, बढ़िया कस्टमाइज हो जाएगी भाई। जवान वाला बॉर्डर पेट्रोल भाई, सारी इंडियन आर्मी की खड़ी हुई है। सस्पेंशन देख रहे ट्रक के, अरे पूरा डैशबोर्ड पड़ा है गाड़ी का। कन्वर्टेबल बनवा रहे अपनी फोलो को। इंडियन आर्मी की जीप खड़ी हुई है इधर भाई, वो देख तू, वो जिप्सी खड़ी है ना जिसमें स्नॉर्कल लगा रखा है, वो लग रही है मुझे बहुत अच्छी। जनरेटर बनाया भाई इंजन से इन्होंने। आ रही है, हाँ दिख रही है दुकान। यार वैसे अलॉय ना यहाँ कोई बहुत महंगे नहीं है, क्योंकि पता है जिस हिसाब से दुकान है ना इधर भी कंपटीशन बहुत है। वही चल रहा है। लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल कौन सा है? सबसे ऊपर रखा जाए, सबसे ऊपर लो प्रोफाइल। और भाई क्या हाल है सबके, कैसे हो? मस्त हो ना एकदम। देखो ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं यार आजकल बहुत। अब क्या हुआ कि गाड़ी लेके गया था मैं कॉलेज, और एक नहीं दोनों ही गाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। मैं गाड़ी कॉलेज लेके गया था, खड़ी गाड़ी में ना किसी ने मार दी, और मतलब बम्पर जो है उसका एक का तो मतलब टूटा है, क्रैक आ गया नीचे, और एक का ऐसा है कि उसके नक्के गए। नक्के मतलब कि क्लैम्प्स टू बी स्पेसिफिक, जो मतलब बम्पर को बॉडी से चिपकाए रखते हैं। मैंने सोचा कि उसको रिपेयर करवा लूँ, मेरा यार खर्चा बच जाएगा, क्योंकि बम्पर जो है कंपनी से बहुत महंगा है, और मैं मतलब लगवा लूँगा उसे। पर यह है ना कि घर वाले वही बोलते हैं कि तूने मारी है, तू नुकसान करता ही है वो। तो मैंने बोला अच्छा, तो भाई वही ईगो वाली बात आ गई कि नहीं मैं ही करवाऊंगा इसे ठीक। पर वो भाई ईगो ईगो ना सब धरी रह गई, कुछ नहीं होता भाई, बहुत महंगे हैं बम्पर, और ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो यूट्यूब की अर्निंग आती है उन्हीं से मैंने सोचा कि कुछ करवाऊँ। तो आज मैं मायापुरी जा रहा हूँ, वहाँ पे बम्पर मिलते हैं भाई, और मतलब पूरी ना वो स्क्रैप की मार्केट है। वहाँ पे अलॉयज मिल जाएंगे आपको, बाइक के पार्ट्स मिल जाएंगे, और ट्रक वर्क मतलब हर चीज़ मिल जाएगी, ए टू जेड जो चाहिए ना गाड़ी का सामान वो मिलेगा। इंजन बनवाना है वो मिल जाएगा, अगर कोई बाइक कस्टमाइज करवानी है भाई, बुलेट वुलेट उधर तुम लोगों को मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस की और इंडियन आर्मी की उधर जीप भी खड़ी हुई है, अगर वो लेनी है आप लोग वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो आज मैं उधर ही जा रहा हूँ, और भाई ये वीडियो ना पूरा देखना ठीक है, क्योंकि देखो यार तुम लोग पूरा नहीं देखते ना, इसलिए बोलते हो कि भाई एड्रेस बताओ, भाई ये नहीं पता वो नहीं पता। तो वीडियो पूरा देखना ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। तो अब बस मैं अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ, ज़रा फ्रेश होकर चलते हैं उधर, ठीक है। ओ भाई क्या गर्मी हो रही है गाड़ी में यार, स्टार्ट कर दूँ। भाई टूर पे जाता है और ये ना ऊपर सोता होगा, इसलिए सीढ़ी लगवा रखी है इसमें गाड़ी में। अबे तो क्यों लगवाया गया सीढ़ी? ऊपर वो है, क्या है ऊपर? अच्छा वैगनार में, तो इसने बढ़िया बना रहे वैग। अच्छा गाड़ी नहीं है वैगनार पर, इसने बनवा रखी है बढ़िया है। अच्छा छब्बीस, अरे शौकीन आदमी है। रेड लाइट ना करवाते हैं यार, चल भाई चल प्रो क्लब। तो देख रहे हमारी ऐसा ऐसी हो गई, पेपर है ना इसलिए जाम लग रहा था। ये कितने या फिर बच्चों का एनुअल फंक्शन है क्या? चलो एन देख कहाँ तक गाड़ी लगा रखी है, आधी रोड भर रखी है यार। यही तो 12 किलोमीटर तभी तो 32 मिनट में पहुंच रहे हैं। रेड लाइट पे जाओ, चल अच्छा रेड लाइट तोड़ गया ऑटो में बच गया, ये मरता चल रहा में आ गया। वो गाड़ी देख तूने अंदर क्या खड़ी हुई है? ये तो लिंकन कॉन्टिनेंटल थी। हाँ। चिल्ड बियर वायरेंट उसकी। अच्छा ये देखिए अंदर का चिल्ड बियर वायरेंट उसकी। एक काम करते हैं यहाँ से चल रहे तो ना मस्जिद के पास अब यार, ये और रिवर्स कर रहे हैं भाई साहब, सिर दर्दी है गाड़ी चलानी तो दिल्ली में। मायापुरी बी ब्लॉक, मायापुरी बी ब्लॉक है ना ये, बी लिखा हुआ डी में ही पहुंच जाएंगे, रुक अंदर अंदर से ही पहुंच जाएंगे यार। ये पोल ठीक कर रहे हैं इधर, कहाँ लगा दी हमने। अबे मुझे तो वहां तक जाना है एकदम मार्केट तक यार, अंदर क्यों घुसा रहे हो? अंदर जाओ बिल्कुल, यहाँ से मार्केट का रास्ता पता है। हाँ ये ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, 4x4 ट्रैक्टर है, सारे कार सस्पेंशन देख रहे ट्रक के यार। ये नाम ट्रकों की मार्केट में है शायद, देख नहीं रहा। हाँ देख फ्यूल टैंक पड़ा हुआ है ट्रक का, और स्प्रॉकेट देख कितना बड़ा पड़ा हुआ है गाड़ियों का, किधर से है? हाँ दस्तर खड़ी है। अच्छा इसी का निकाल के लगाएंगे क्या मेरे में? लगा दे। अच्छा ये देख मोटर पड़ी है बड़ी बड़ी, ये देख उधर देख बम्पर, ये पड़े ना पर नहीं ये बेकार है। अबे नए नए भी पड़े हैं इसमें तो। भैया गाड़ी के बम्पर कहाँ मिलेंगे? इसी गाड़ी का ई ब्लॉक, वो तो बोल रहा है आगे मिलेंगे। डी ब्लॉक में जाओ, मैजिक के पास राइट, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर आगे पूछ। टी पॉइंट से राइट, आगे निकल भाई। हाँ निकल गए जी अंकल। स्टीयरिंग पड़े हैं, स्टीयरिंग, अरे पूरा डैशबोर्ड पड़ा है गाड़ी का।
हाँ ये देख बड़े बड़े स्टेयरिंग यहाँ पड़े हैं, देख ट्रक का, अरे ट्रैक्टर का पड़ा हुआ है स्टेयरिंग, और क्या चाहिए तेरे को, छोड़ तो ये रे पोलो क्या बना रहे हैं, अबे कन्वर्टेबल बनवा रहे हैं अपनी पोलो को, अबे ये आ तो गई मार्केट यार, बम्पर इधर है, ये देखो ये अलॉय हो गए ना, ये आ गए अलॉय इधर, कस्टम्स जीप कस्टम्स है इधर, जीप बन रही है, ये देख इधर भी, इधर बन रही है जिप्सी थार वाली, इंडियन आर्मी की जीप खड़ी हुई है इधर, देख रहा है थार बन रही है, जीप बना रहे हैं, देख नहीं रहा बना रहे हैं जीप अंकल, यहाँ पे अलॉय मिल रहे हैं, जवान वाला बॉर्डर पेट्रोल, भाई सारी इंडियन आर्मी की खड़ी हुई है इधर, अलॉय भी खड़े, अलॉय इसके पास अच्छे नहीं है यार, पर इतने काफी तरीके के हैं, काफी तरीके के हैं, काफी तरीके के हैं, सिंपल अलॉय है इसके पास बहुत, भाई वो देख तू वो जिप्सी खड़ी है ना जिसमें स्नॉर्कल लगा रखा है, वो लग रही है मुझे बहुत अच्छी, उठवा रखी है उसने बंद सस्पेंशन, उठवा रखी है यार उसने, अच्छी लग रही है, और ये 1.5 लाख से ऊपर की नहीं होगी, इधर जीप की मार्केट है, इंजन से जनरेटर बनाया हुआ है ये, और इसे बीच पे क्या रखा हुआ, हाँ जनरेटर बनाया हुआ है इंजन से इन्होंने, फुल फैब्रिक, अरे कारीगर आदमी है भाई, कांच देख जीप के ऊपर ही जीप चढ़ा रखी है भाई, यूट्यूब पर डाल दोगे, हाँ आ रही है, हाँ दिख रही है दुकान दिख रही है, अच्छा ये बताओ बम्पर कहाँ मिलेंगे यहाँ, बम्पर कहाँ मिलेंगे यहाँ, आगे कितने का मिल जाएगा बम्पर गाड़ी का इसका, 1200 का, चलो और अलॉय कितने के मिल जाएंगे अंकल, अलॉय महंगा यार, वैसे अलॉय ना यहाँ कोई बहुत महंगे नहीं है, क्योंकि पता है जिस हिसाब से दुकानें हैं ना इधर भी कंपटीशन बहुत है, टायर वायर लेने तो भाई देखो यहाँ से बेकार है, क्योंकि ना सारे चाइनीज होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते, और पुराने टायर पे ही वो बना रखे होते हैं पता है ना, गर्म करके मतलब शेप बना देते हैं, तो बेकार चीज़ है उतर जाते हैं वो, अंदर से लोहे की वायर वगैरह सब बाहर आ जाती है, तो टायर वायर मतलब इधर से लेने तो अलॉय ले लेना, डस्टर का बम्पर हो तो दे दो, डस्टर का नहीं है वहीं चल रहे हैं, लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल कौन सा है, सबसे ऊपर रखा है देख, सबसे ऊपर लो प्रोफाइल, हाँ है नए पड़े कितने, तो ले लूंगा 3-4 हज़ार के, 5 हज़ार के देगा, ले लेता 16 हज़ार में कौन लेगा भाई, यहाँ से अलॉय किसी को काटेगा ना जो पहली बार आया, मैं पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ अंदर, चलो जी चले बम्पर, ये आइटम ग्रैंड का टूटा वूटा तो नहीं है भाई, एकदम स्क्रैच टूटा मतलब फिट नक्के वक्के तो नहीं गए गए हुए ना इसके, रिपेयर कर रहे हैं बम्पर, ये सही ये बढ़िया लगा, और कहीं काला काला हो रहा हूँ ना वो भी फिर से, तो एक ये वाला ऊपर वाला हमारा और कौन सा है, एक ये नीचे वाला, दोनों 2000 के लगे हैं, ये बम्पर मैंने 2000 के लिए हैं, इस पर अभी मुझे पेंट करवाना पड़ेगा अलग से, पेंट मारते कितने का हो जाएगा भाई, 1000 रुपये, हाँ 1000 का हो जाएगा, गाड़ी की आवाज आ जाना, डाल दो भाई एकदम बढ़िया आ जाए, इसमें फ्री फिट आ जाए, हाँ तो आ जाए, या फिर सीट गिरा दूँ मैं, ये अरे आ गया, आ गए आ गए, ट्रेन मुड़ गई भाई, ट्रेन मुड़ गई, क्या हो गया, हो गया एकदम पैक, आओ भैया, अबे ये रिपेयर होने वाली कहाँ है, देख देखिए जरा भाई, वो 19,000 ही चली हुई है, जैसे सामान बेचते हैं काट के डिसमेंटल, अबे रिपेयर करने के लिए नहीं है ये, वैसे सही है इधर से ले जाओ भाई, बढ़िया कस्टमाइज हो जाएगी भाई सस्ते में, चले आगे निकल गई इधर से, लग गई थोड़ी सी पर निकल गई, कितने के लिए, हमने 2000 के लिए भाई, ये 2000 के बम्पर लिए हैं मैंने दोनों, वैसे एक कितने का 800 का बता रहा था ना, एक 800 का, दूसरा 1500 का, 2300 का बता रहा था, 2000 के मैंने दोनों ले लिए, और कम करते और कम ऐसे तो कर देता हूँ, 4 अलॉय टायर के साथ कितने 5000 के आ जाएंगे ना, हाँ 4, पर वो उस पे है ना कि 13-14 इंच ही आते हैं भाई वो, हाँ तो छोटे टायर, मैं उसके बता रहा हूँ, जैसे कि ये
सबके बलिनो पुरानी वाली। पुराने वाले बलिनो कितने के आए थे? 5000। हाँ 5000। 16 इंची मिल जाएंगे? 15 इंच आते हैं। अभी डस्टर के बता रहा था, 16 इंची मुझे चार अलॉय बता रहा था। साथ बता रहा था ना, टायर के साथ नहीं बता रहा था, सिर्फ अलॉय अलॉय बता रहा था भाई। 16000 हाँ टायर के साथ बता रहा था वो। टायर के साथ बता रहा, जो कंपनी से आते हैं डस्टर के वही वो भी बढ़ा के बताते हैं। 16000 16000 तो बहुत ज्यादा बता रहा था, सोच रहा था दूर से आए हैं काट लेंगे, ऐसा पर ऐसा थोड़ी होता है भाई। हाँ और मैं इसकी एक बार टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह कितने बजे से आ जाते हैं यहाँ पे? सुबह 8-9 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दुकान तो खुली मिल जाएगी, वैसे 10 बजे आ जाओ तब भी ठीक है। और संडे को ये मार्केट रहती है बंद यार, क्योंकि संडे को जैसे दिल्ली की हर मार्केट एक ना एक दिन बंद रहती है। करोल बाग में चले जाओ, कफार मार्केट मंडे को बंद रहती है, चांदनी चौक भी संडे को बंद रहती है जब चोर बाजार लगता है तो इसलिए। और यहाँ पे अगर आओगे ना, कोई बता रहा है 16-17 हज़ार बता रहा है, तो इतनी महंगी कोई चीज़ है नहीं, वो बहुत सस्ती है, टाइम तो लगता ही है। और संडे को भी आओगे तो एक आध दुकान तो खुली हुई मिल जाएगी वैसे, पर बाकी दिन आओगे तो भाई देखो आज जैसा जो जाम था वही देखने को मिलेगा। और मेरी गाड़ी का पता नहीं क्लच क्यों खराब हो रहा है, एक गियर नहीं डल रहा अच्छे से, इसको भी जाके दिखाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ना एक समोसे वाला है, बहुत ही बढ़िया समोसे बनाता है, मतलब ये लगा लो मैंने दिल्ली में तो देखो भाई उससे अच्छे समोसे नहीं खाए। यहाँ पे आपको भाई पिज्जा समोसा और पास्ता समोसा और पता नहीं क्या 50 तरह के समोसे हैं। एक बार तुम लोगों को दिखाता हूँ, मेन्यू दिखाता हूँ। आलू समोसा, चाउमीन समोसा, मैक्रोनी, कीमा पनीर, तूने कौन सा लिया है भाई? 3 मलाई पनीर, 3 चिली पनीर। मलाई एक पिज्जा समोसा ले ले यार, कैसा है, कौन सा खा रहे हो तुम लोग? कीमा। तो खोलिए एक बार, 20 बार दिखाइए, तोड़ के दिखा, कौन सा ये? कीमा पनीर। सही है भाई, कैसा है टेस्ट, कैसा है? बढ़िया। ये है भाई देखो हमारा पिज्जा समोसा, पिज्जा समोसा खोल। ओए होए चीज भरी हुई है फुल, खाते हैं वो। लो भाई, अरे बढ़िया भैया समोसे आपके, अच्छे बनाते हो आप, चले भाई। अरे खाने शुरू भी कर दिए हैं, मलाई पनीर है। ओ भाई भरी पड़ी है मलाई तो इसमें, पनीर भी यार, ये बड़े अच्छे समोसे बनाता है भाई। अभी अभी घर आया हूँ मैं, और तुम जैसे कि देख सकते हो रात सी हो रही है, और ना पूरा दिन लग गया उधर, मुझे लगा कि 3-4 घंटे में तो काम हो ही जाएगा, पर किसे बता था 4 घंटे उधर ही लग जाएंगे मायापुरी में। और एक बात ना भाई देखो मेरी याद रखना, अगर मायापुरी जा रहे हो उस जगह पर जा रहे हो तो गाड़ी ना तभी लेके जाना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उसकी, जैसे मतलब अलॉय लगवाने हो या फिर कुछ गाड़ी का काम करवाना हो या फिर कोई बड़ा पार्ट लेके आना हो तो तभी लेके जाना गाड़ी, वरना गाड़ी लेके मत जाना भाई, बहुत दिमाग ख़राब होता है। तुम लोगों ने देखा ना जैसे अभी हुआ, ना चाहते हुए भी गाड़ी लग गई, और उस दिन भी यही हुआ था जब बम्पर का सीन हुआ था, मुझे नहीं पता था, मैं बाहर आया कॉलेज के, मैंने देखा गाड़ी लगी हुई है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, अपनी नहीं कई बार दूसरों की वजह से भी हो जाता है काम। एनीवे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और खुद भी करना और अपने दोस्तों से भी करवाना और सबसे करवाना, ठीक है। और ऐसे जो वीडियोज़ हैं मैं यार डालता रहता हूँ, और अगर सब्सक्राइब करने का वैसे नहीं मिल रहा है, ये देखो यहाँ से तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, ये जो आ रहा है बटन, और ये 2-3 वीडियोज़ मैंने और बना रखे हैं, इनको भी देखना। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सेइंग वी विल बी बैक।